स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी नूतन गोयल के साथ दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद हर्षवर्धन ने कहा कि आज मैंने और मेरी पत्नी ने वैक्सीन लगवाई है, हम दोनों को कोवैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीन लगवाने के बाद किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। आज मैंने और मेरी पत्नी ने कोविड के खिलाफ अपना वैक्सीनेशन, उसकी पहली डोज यहाँ दिल्ली के प्रतिष्ठित दिल्ली हार्ट एंड लंग हॉस्पिटल में अब से ठीक आधा घंटा पहले लगवाई है। देश के समस्त उन नागरिकों को जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या वो 45 साल और 59 साल के बीच में है और उन्हें कोमॉर्बिडिटीज यानी कोई और दूसरी प्रमुख बीमारियां हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि देश भर में हजारों सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भारत सरकार ने अपने खर्चे से सारे देशवासियों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की है कि ये वैक्सीन कोविड के खिलाफ लड़ाई में हम सब भारतवासियों के लिए संजीवनी का काम करेगी। हनुमान जी को संजीवनी को लाने के लिए आधे भारत को क्रॉस करके उड़कर जाना पड़ा था, लेकिन आपके लिए देशवासियों ये संजीवनी आपके निकट के सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल के अंदर उपलब्ध है। मैंने और मेरी पत्नी ने अस्पताल में अपनी अपनी डोज के लिए 250 रुपया देकर इस वैक्सीन को लगवाया है। मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि जो भी लोग देश में वैक्सीन को अफोर्ड कर सकते हैं वो निकट के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज असम के चाय बागान में महिला कर्मियों के साथ पत्तियां तोड़ती नजर आईं। प्रियंका असम दौरे के दूसरे दिन राज्य के सधारू टी स्टेट पहुंची। वहां उन्होंने चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बागान में पारंपरिक रूप से सिर से टोकरी बांधकर पत्तियां भी तोड़ी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असम में चाय बागान और मजदूर अहम चुनावी मुद्दा है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि असम की बहुरंगी संस्कृति ही असम की शक्ति है। असम यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर महसूस किया कि लोग इस बहुरंगी संस्कृति को बचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से तैयार हैं। अपनी संस्कृति और विरासत बचाने के लिए असम के लोगों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के पीएम मोदी की तारीफ करने पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान गुलाम नबी आजाद के पुतले जलाए गए और नारेबाजी हुई। आपको बता दें कि हाल ही में गुलाम नबी ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और उन्हें जमीन से जुड़ा व्यक्ति बताया था। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर आज कांग्रेस कार्यकर्ता अपने ही वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान गुलाम नबी आजाद का पुतला भी जलाया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा, कांग्रेस ने उन्हें ऊंचा दर्जा दिया, लेकिन आज जब पार्टी को सहयोग की जरूरत है तो वे बीजेपी से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। वह यहां डीडीसी चुनाव प्रचार के वक्त नहीं आए, लेकिन अब यहां आकर पीएम की तारीफ कर रहे हैं।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब वित्त मंत्रालय एक्साइज ड्यूटी कम करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। पिछले 10 महीनों के दौरान कच्चे तेल के भाव में दो गुनी बढ़त ने भारत में ईंधन के दाम में इजाफा कर दिया है, लेकिन पेट्रोल डीजल के खुदरा दाम पर आम जनता को करीब 60% तक टैक्स और ड्यूटीज चुकानी पड़ रही है। कोरोना वायरस महामारी ने भी आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल मंगवाने वाला देश है। पिछले 12 महीनों में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स में दो बार बढ़ोतरी की है। इस प्रकार जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव न्यूनतम रिकॉर्ड स्तर पर था, तब भी आम जनता को पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर बड़ी राहत नहीं मिल सकी।